विनायक सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, विनेश ने जबरदस्त प्रदर्शन करके फाइनल में प्रवेश किया। विनेश हम सबके लिए एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि विनेश का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह होगा। हरियाणा सरकार विनेश को भी तमाम सुविधाएं देगी, विनेश को भी सम्मान इनाम और सुविधाएं देगी सरकार। हमें आप पर गर्व है विनेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने ये भी लिखा कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान इनाम और सुविधाएं देती है, वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। तो जितेंद्र, ये वो पोस्ट है जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है विनेश फोगाट के लिए। हालांकि उत्साह और जोश से लबरेज करने वाली है उनके ये पोस्ट और विनेश का हौसला बढ़ाने के लिए पोस्ट की गई है। समझ सकते हैं जितेंद्र कि सूबे की सरकार, देश के लोग, विनेश बेशक फाइनल नहीं खेल पाई, लेकिन पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ विनेश के साथ खड़े। देखिए बिल्कुल, ये साफ तौर से मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस एक्सपोस्ट से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की तरफ से जो जीत विनेश की तरफ से हासिल कर ली गई थी, उस जीत का सम्मान देने का काम जो है हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें, इससे पहले जो 3 फाइट जीती थी, उसके बाद अगर वो गोल्ड की फाइट के लिए जो फाइनल फाइट होनी थी, उसमें अगर जीतती तो गोल्ड आता, लेकिन अगर हारती तो भी उन्हें रजत पदक जो है यहाँ पर जरूर मिलता। तो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने उस भावना को, उस फाइट को यहाँ पर याद रखा है, देश की भावना को और विनेश के साथ खड़े लोगों को भावना को यहाँ पर ध्यान, आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए ठीक रजत पदक विजेता को जो सम्मान दिया जाता है, वही सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। और गर्व की बात जो है वो विनेश फोगाट को लेकर के कही जा रही है। तो ये दर्शा रहा है कि सरकार जो है इसको लेकर के किसी भी तरीके की राजनीति भले ही हो रही हो, लेकिन उससे तक जो हरियाणा की जो खेल पॉलिसी जो पूरे देश में मानी जाती है, उसमें एक और अगला कदम जो है हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है कि भले ही मेडल ना मिला हो, लेकिन जिस तरीके से लोगों का दिल जीतने का काम विनेश फोगाट की तरफ से किया गया, एक लंबी मेहनत इसको लेकर के की गई, उस मेहनत को एक सम्मान से नवाजने का काम जो एक रजत पदक विजेता को दिया जाता है, उस सम्मान से नवाजने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी बात जो है विनेश फोगाट के पक्ष में सरकार की तरफ से सामने। जितेंद्र, आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ कुछ वक्त और एक और अहम खबर का रुख करेंगे आगे फिर।